अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि अपने वर्डप्रेस का अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और पासवर्ड को रिकवर करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं। बहुत ही आसान सिंपल स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड रिकवर करने के लिए, अपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम रिकवर करने के लिए। बहुत सिंपल है, आपने सिंपल क्या करना है उसके स्टेप के लिए फॉलो करते हैं और अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और शुरू करते हैं। तो अब मैं आ गया अपना लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। अब हम देखते हैं, जब सबसे पहले क्या करना है कि आपने जस्ट लाइक, अब मैं चलता हूँ पहले वेबसाइट की तरफ अपनी। ये हमारी वेबसाइट आ गई। अब इस टाइम फॉर एग्जांपल इसको मैं लॉग आउट करता हूँ क्योंकि लॉग इन तो ऑलरेडी हुई हुई है मेरी, तो इसलिए लोड होकर डायरेक्ट खुल जाएगी। इसको मैं करता हूँ लॉग आउट। अब यहाँ पर यूजर नेम मेरा ऑनलाइन अहमद अली, ठीक है। पासवर्ड एग्जाम्पल है कोई भी। अगर मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ या मैं कोई भी पासवर्ड डालता हूँ तो यहाँ पर आता है कि रॉन्ग लॉस्ट योर पासवर्ड पर अगर क्लिक करता हूँ तो ईमेल एड्रेस जो मैंने कॉपी, जो मेरी ईमेल एड्रेस डली हुई वो मैं ईमेल एड्रेस पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद गेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पासवर्ड मेरी ईमेल्स पर आ जाता है। जस्ट लाइक, अब मैंने वहां पर गेट न्यू पासवर्ड किया और अपनी ईमेल को अगर रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये वर्डप्रेस का पासवर्ड रीसेट की एक लिंक शो हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास जो है आपको यही याद नहीं है, जस्ट लाइक आप लोगों को यही पता नहीं है कि आपका जो है ईमेल एड्रेस कौन सा है, फिर आप पासवर्ड को कैसे रिकवर करेंगे। सबसे मुश्किल काम यही है, सबसे मुश्किल सवाल यही है कि आप अपने पासवर्ड को तब कैसे रीसेट कर सकते हैं जब आपके पास ईमेल एड्रेस भी ना हो। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल जो है अपना ये यूजर नेम भी आपको याद नहीं है, ईमेल एड्रेस भी याद नहीं है, पासवर्ड भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है आपको। आपने सिंपल सी पैनल पे आ जाना है अपने, जिस सी पैनल पर आपकी वेबसाइट है। अब आपको कैसे पता लगे ये वेबसाइट मेरी इसी सी पैनल पे है या इसी होस्टिंग पर है, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक साइट बताई थी व्हाट माई डी एन एस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से जो है ना वीडियो देखनी है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को ये अपनी लिंक कॉपी करनी है वेबसाइट की, व्हाट माई डी एन एस की वेबसाइट पर चले जाना है आपने, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर आपने क्या करना है कि चेक करना है कि आपकी जो है साइट का नेम सर्वर क्या है। नेम सर्वर से आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी साइट किस तरफ का मतलब किस होस्टिंग पर है। नेम्स के लिए ये मैंने साइट लिखी, एनएस लिखा और सर्च किया तो यहाँ पर लिखा है DNS1 DNS2 नेमचीप होस्टिंग .com। मेरी जो ये साइट है वो नेमचीप पे है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, इसको मैं काटता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरी साइट नेमचीप पे है तो नेमचीप की सी पैनल पर आ जाए आप। सी पैनल पर आके PHP माई एडमिन में आ जाए आप। PHP एडमिन में आने के बाद आपने क्या करना है, जो इसका जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर जाके आप अपनी ईमेल एड्रेस आपने चेंज करनी है। कैसे करनी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। PHP माई एडमिन, ये अभी थोड़ा लोड हो जाए, ये हमारी हो गई ओपन। और चलो हो जाए ओपन। जरा नेट स्पीड स्लो है शायद, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये खुल गई है मेरी। अब मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पता है कि मेरी जो इस टाइम डेटाबेस है वो है ये वाला, क्रिएटर्स वाला। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस अपनी ऐड करनी है उसके अंदर। ईमेल एड्रेस आप ऐड कर देंगे जब, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल एड्रेस से आप रीसेट कर लेंगे पासवर्ड को। सबसे पहले आपने ऑप्शंस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें ये साइट बता रहा है कि ये साइट है, ये इसका नाम है, ये इसका URL है और ये ईमेल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यूजर मेटा में जाना है आपने। इसको फिलहाल ऑप्शन में कुछ नहीं करना छेड़छाड़, यूजर मेटा में जाके आपने देखना है। यहाँ पर आपका जो है कुछ दिख रहा है, हाँ यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर यूजर्स में आ जाए। यूजर्स में आने के बाद आपको ये देखें, ये बता रहा है कि ये आपकी यूजर नेम है, जो आपका यूजर नेम है, और ये आपकी ईमेल एड्रेस है। इसको आपने सिंपल एडिट करना है यहाँ से। अच्छा, एक बात और बताऊंगा अभी मैं, नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मुझे अभी याद आई है कि किस तरह से आप लोगों को पता लगे कि ईमेल एड्रेस चेंज हो गई है, ये भी एक सवाल आता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी ईमेल एड्रेस चेंज कर देनी है। जस्ट लाइक मैंने alishek57@gmail.com डाल दी, alishek57@gmail.com, इसको गो को दबा दिया मैंने, ठीक है।
जब मेरी यहाँ से ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगी फिर मैं आता हूँ वापसी यहीं पर और WP लॉगिन की जो है मैं लिंक खोलता हूँ और ओहो WP एडमिन होगा इधर WP एडमिन यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेंज हो गई है। देखिए आप मैंने उसको गो किया तो चेंज आ गई। अब हम दोबारा चलते हैं और यहाँ पर जो है यूज़र नेम भी पता नहीं है। अब जो ईमेल एड्रेस हमने चेंज किए जस्ट लाइक लॉस्ट योर पासवर्ड। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वही पुरानी ईमेल लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं पुरानी ईमेल लिखी मैंने और गेट अ न्यू पासवर्ड पर क्लिक किया तो अब यहाँ एरर दे दिया इसने कि ये ईमेल एड्रेस नहीं है। सही ईमेल एड्रेस कौन सी है? @gmail.com, ठीक है। गेट अ न्यू पासवर्ड करेक्ट ईमेल एड्रेस डालेंगे, करेक्ट ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली जो है पासवर्ड भी रीसेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब मैंने करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखी तो अब कोई बिना एरर आए ये हमें रीसेट का पासवर्ड उस ईमेल पे भेज देगा जैसे इस ईमेल पे उसने पासवर्ड भेज दिया था। तो इस तरह से आप लोग जो है अपनी इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद पासवर्ड को रीसेट लिंक मिल जाएगी और रीसेट लिंक करने के बाद हम रीसेट कर देंगे। वापसी यहाँ पर अपनी पुरानी ईमेल एड्रेस डाल दूँ, यानी कि मैं खुद ही भूल जाऊँ, और इसको मैं एडिट करता हूँ। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ से, मुझे तो पासवर्ड मालूम है, मैं खोल लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप आते हैं टूल्स या यूज़र में आ जाएं, आप यूजर प्रोफाइल में आ जाएं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको एडिट करें। ये देखें यहाँ पर ईमेल एड्रेस शो हो रही है alishek57@gmail.com, इसको यहाँ पास करें फिलहाल। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ईमेल एड्रेस वापसी trainingmakedifferent@gmail.com ये मैंने डाली और इसको गो किया। यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस चेंज कर दी, कहाँ पर? यूज़र में जाके। अब जो है ये ज़रा अपडेट हो जाए, जैसे ही अपडेट होगी तो यहाँ पर मैं ये हो गई अपडेट, ठीक है। अब मैं यहाँ के पेज रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ जैसे ही पेज रिफ्रेश करूँगा ये अलीशेख हटके ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर ट्रेनिंग मेक द डिफरेंट आ गई है। तो इस तरह से आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से अपनी वर्डप्रेस का। तो इसी तरीके की वीडियो मिलेगी आपको इस चैनल के ऊपर, आपको हर एक टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी और फन भी किया जाएगा। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।